शादी होने के बाद हर कपल को अपने पहले हनीमून का इंतजार होता है। अपने पार्टनर के साथ बिताए रंगीन पलों को हर कपल बटोर कर रखना चाहता है। लेकिन विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद हनीमून एंजॉय करने नहीं जाएंगे। जहां विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबर सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं इस खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। शादी होने के बाद दोनों ही अपने काम को लेकर किए गए कमिटमेंट को पूरा करेंगे, जिसकी वजह से वो दोनों शादी के बाद भी हनीमून मनाने नहीं जाएंगे। शादी के बाद कैटरीना जल्द ही अपने काम पर वापसी करेंगी, क्योंकि उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग पूरी करनी है। वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल भी शादी के बाद अपने काम पर वापसी करेंगे। कैटरीना और विकी कौशल दोनों ही अपने काम को लेकर काफी ज्यादा कमिटेड हैं, जिसके चलते वो हनीमून ब्रेक नहीं लेंगे और शादी होते ही अपने काम पर वापसी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी कौशल और कैटरीना कैफ आने वाले दिसंबर में राजस्थान में रॉयल वेडिंग करने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिवाली की रात को दोनों की रोका सेरेमनी भी हो चुकी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो अभी पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन खबरों की माने तो विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही सुनने को मिल सकती है, क्योंकि कैटरीना कैफ उनके फैंस से कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहती हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।